दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 24 अक्टूबर से भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार 15 देश के सांस्कृतिक दल और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, पहाड़ी कलाकार, देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपने राज्यों की लोक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा उत्सव में दो जगह पर सांस्कृतिक मंच पर देश के विभिन्न राज्यों और विदेशी संस्कृति के साथ साथ हिमाचल के सभी जिलों की लोक संस्कृति देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार के दशहरा उत्सव में 25 अक्टूबर को सांस्कृतिक परेड और 29 अक्टूबर को लालड़ी नृत्य आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे, जबकि समापन अवसर पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा उत्सव को नए स्वरूप के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ पर देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं। भाषा में कहते हैं कि दशमी मतलब दशहरा, और दशहरे का उत्सव कल रघुनाथ जी की रथ यात्रा से शुरू होगा। मेरे साथ हमारे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के मैडम डिप्टी डायरेक्टर जनरल अंजू रंजन जी, हमारे साथ यहाँ पे एपीएमसी के कुल्लू लाहौल स्पीति के चेयरमैन राम सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुरेंद्र जी, हेम सिंह जी प्रधान हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शानू जी हमारे इंचार्ज मीडिया, और डीपीआरओ साहब जो पूरा जिम्मेवारी संभाले हैं कि किस तरह से प्रचार प्रसार हो। मैं साज भट्ट, 25 को सिमर कौर, 26 को युफनी बैंड, और 27 को शिव ज्योत, 28 को जसराज जोशी, मोनाली ठाकुर, 29 को आर्मी ऑफ पाइंस भी 29 को है, पहाड़ी नाइट है, उसके बाद 30 को, और उसके साथ में एक हमारे पास इंडियन जो इंटरनेशनल कल्चर लैंग्वेज प्रोग्राम के कुछ 23 अमेरिका के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमेरिका भी इसमें पार्टिसिपेट, एक नेशन और हो गया है, वो हमारे पास ऑलरेडी था, उन्होंने हमारे अपने कोरियोग्राफ हमने कर दिया डीएस डायरेक्ट कंपनी के साथ। अब मैं आपके साथ समय समय पे आपसे रूबरू होते रहेंगे। आज तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, और हमारी तरफ से जो सहयोग होगा हम पूर्ण रूप से आपको देंगे। और मैं चाहूँगा जो आपके मुख्य जो बाहर से कवरेज करने वाले आएंगे, आपके लिए भी अगर आप, हम यहाँ से जो आइटनरी हमने बनाई है, मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स आर स्टेइंग बैक टिल 31st तक है जी, एक हफ्ते के लिए हमारे पास है, तो उन्हें हम द्वारा से कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दिन भी हिमाचली फ्यूजन के साथ जोड़ा जाए जी। पहले तो इंटरनेशनल कल वो होगा ना कार्निवल, आखिरी दिन वो हमारी धुन पे, 7 दिन में जो सीखेंगे यहाँ पे वो हमारी धुन पे थिरके, ये हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए लगातार तैयारियाँ हैं, और उस दिन तक और भी हमारे हम आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत राज्यपाल महोदय वो रहेंगे, और क्लोजिंग पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम 3 दिन यहाँ पे रुके, और इस बीच में नया हमारा जो इको टूरिज्म साइट है काइसदार, उसके लिए भी हम उनको ले जाना चाह रहे हैं। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला दी है, तो उसके लिए भी हम उनको लेके जाएंगे। तो हम चाहेंगे आप समय समय पर, ये एक बात करूँ, देखिए हमारे लिए इस बारी जो फोकस मंच जो रहेगा वो रहेगा प्रदर्शनी मैदान, उसमें प्रॉपर साउंड सिस्टम लग रहा है, और उसको हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दशहरा ये जो कला केंद्र वाला मंच है ये तो चलता ही है, नॉर्मल चलता है, लेकिन जो क्वालिटी जो हम पेश करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, वो कल्चरल जो हम डे टाइम में जो लोग आते हैं, बड़े परिवार के बुज़ुर्ग आते हैं और बड़े लोग आते हैं काफ़ी, और शाम को यंग क्राउड होता है, मैं जानता हूँ उनको बल्ले बल्ले प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन हम जो ये हमारा जो स्टेज है, पहले इसका नाम दे रहे थे कि स्टेज 1 स्टेज 2, कोई स्टेज 1 2 नहीं है, कला केंद्र और प्रदर्शनी मैदान मंच, इन दोनों में बराबर के प्रोग्राम रहेंगे। ये हम अभी जो हमारे एंकर्स है दोनों जगह सेम रहेंगे, और जो हमारे ट्रूप्स है जो कला केंद्र में परफॉर्म करेंगे वही जो है यहाँ पे प्रदर्शनी मैदान में परफॉर्म करेंगे।